जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में थर्ड इक्वेशन हम मोशन देखेंगे, ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? जल्दी 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 क्या 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 वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। अगेन वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पास u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन से चल रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है, s डिस्प्लेसमेंट बाद उसके वेलोसिटी है, भी क्लियर है। अब यहां आ जाइए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो अगेन हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगेन हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हो गया इनिशियल स्पीड a u at time t equals to 0 and final velocity v at time t, ये रहा हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। लास्ट क्लास में बोला था कि हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करेंगे जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सर इसको अगर मैं ब्रेक करके एरिया लिखूं तो क्या थर्ड को प्रूव नहीं किया जा सकता? तो 100% किया जा सकता है, ट्राई करना आएगा जरूर, स्टेप्स थोड़े से लंबे हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो मना ही नहीं है, एरिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए इक्वेशन में, तो हमें एरिया फाइंड करना ही करना है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि कब स्लोप फाइंड करें, कब एरिया फाइंड करें, तो हमारे इक्वेशन में अगर ध्यान से देखा जाए, तो क्या कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें इसका एरिया चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया लिखता हूं और ट्रेपेजियम का एरिया डायरेक्टली लिखता हूं, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 ट्रेपेजियम के दोनों पैरेलल साइड का लेंथ का एडिशन, यानी ये लेंथ हो गया यू। अच्छा, इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड कौन कौन से? एक ये और एक ये, यानी इन दोनों पैरेलल साइड का एडिशन। तो ये साइड का लेंथ हो गया यू और ये साइड का लेंथ हो गया वी, दैट इज यू प्लस वी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन टू उनके बीच, दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मैं कह सकता हूं? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर टी है, तो यहां पर टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हा? तो गुरु जी इसमें तो टी है ही नहीं, यहां पे टी कैसे आ गया? तो टी को भी एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने का तरीका, हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, हाँ या ना? जब तक फर्स्ट पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर आप टी को निकालेंगे तो ए टी इक्वल्स टू हो जाएगा वी माइनस यू, एंड टी इक्वल्स टू हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। इतना कर लेंगे, हाँ या ना? अगर कहीं कोई दिक्कत आती ना, तो वीडियो पॉज करिए, कॉपी पर सॉल्व करिए, आंसर मतलब यहां तक जरूर पहुंचेंगे। फिर भी अगर लगता है कि सर मैथमेटिकली थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, बताना, हर एक स्टेप को और संधिविच्छेद किया जाएगा, ठीक है। पसंद नहीं है t इक्वल्स टू b माइनस यू डिवाइडेड बाय a, t इसमें नहीं था, हम भी t को हटा देंगे, हाँ या ना? तो हमने लिख दिया 1/2 v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन a, ठीक है। एक फॉर्मूला जो हम सभी को पिछले जन्म से याद रहता है, आपको भी याद होगा, कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर a की जगह b है और b की जगह u है, यानी b प्लस यू इंटू वी माइनस यू। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a? हाँ या ना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, हमारे पास बचेगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v square will be equals to u square plus 2as. ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही सिंपल वे में ट्रेपेजियम का एरिया अगर आप कंसिडर करते हैं तो ये थोड़ा सा इजी वे में आ जाता है, और अगर इसको ब्रेक करके एरिया आप इसको लिखते हैं तो थोड़ा सा दो तीन स्टेप और आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आंसर उससे भी आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ या ना? ठीक है, इसको आराम से प्रैक्टिस करिए फॉर स्पेशली फॉर क्लास 9, क्योंकि अबव उसके ऊपर जाने के क्लास 9 के ऊपर जाने के बाद ग्राफिकल मेथड लगभग नहीं पूछा जाता है, ठीक है। डेरिवेशन जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें बेसिक से चीजों को कैसे लेकर चलना है ये सीखना आना चाहिए, बेसिक से चीजों को कैसे लेकर चलना है। अगर ये आपको पता है तो कहीं कोई बड़े प्रॉब्लम अगर फंसते हैं तो बेसिक से अगर आप स्टार्ट करते हैं, चीजों को लेकर चलना आपको आता है, तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।